लगातार बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और इस वक्त जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और जो बिहार में शिक्षा को लेकर धांधली चलती है, बीपीएससी में धांधली हो या किसी भी तरह का परीक्षा हो उसमें धांधली देखने को मिलती है, इसी के विरोध में जो है तमाम अभ्यर्थी आज हस्ताक्षर अभियान पर है। और ये कब तक चलेगा ये इनसे ही जानेंगे। ये जो हस्ताक्षर अभियान है ये कब तक चलने वाला है? देखिए, आज तो हमने इसकी शुरुआत की है और हम लोग कोचिंग स्कूल हॉस्टल लाइब्रेरी में जाके हम छात्रों को एकजुट करेंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे। हमारा संगठन अब चूँकि अभी बहुत कमज़ोर है क्योंकि बिहार और भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं परीक्षाओं में छात्र जो है बटे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है। हम जगह जगह जाकर पूरे बिहार का भ्रमण कर छात्रों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभियान आज शुरू हुआ है, 2-3 महीने तक चलेगा और जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी हम पूरे बिहार और पूरे भारत का भी दौरा करके छात्रों को एक करेंगे। और हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता है से हम लोग रख रहे हैं पारदर्शिता को लेकर। ट्रांसपेरेंसी हमारे किसी भी परीक्षा में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से आपका क्या तात्पर्य, कैसी ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको? जैसे देख लीजिए, अगर हमने एग्ज़ाम दिया है, हम कितना नंबर लाए हैं, पास हो गए हैं फेल हो गए हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप फेल हैं आप पास हैं, कितना नंबर लाए हैं ये हमको नहीं पता चल रहा है। बच्चा चाहे नर्सरी में हो, 1-2, चाहे किसी भी क्लास में हो, कॉलेज में पढ़ता हो या कहीं भी पढ़ता हो, उसको ये नंबर पता होता है कि वो कितना लाके फेल हुआ है कितना लाके पास हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ ओएमआर शीट जो मिलता है उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पूरा फिलअप नहीं करते हैं। कई बार ऐसे सुनने को मिला है कि हमारे आगे बैठे हुए छात्र या हमसे जो पीछे बैठे हुए अपना पूरा ओएमआर शीट भरे नहीं है और उनका रिजल्ट आ गया और जबकि हमने अच्छी मेहनत की थी, अच्छी पढ़ाई की थी, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है कि वो बाहर से ओएमआर शीट को रंगवा रहे हैं। दूसरा है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पता चला कि आपने अच्छा नंबर लाया, स्कोर भी अच्छा लाया, पास कर गया, पता चला कि कल होके वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कारण क्या हुआ कि क्वेश्चन आउट हो गया। तो ऐसी जो स्थिति बनी हुई है इससे हम निजात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में पारदर्शिता आए। हम छात्र इतना मेहनत करके, गरीब परिवार से हैं, कहीं से भी हम लोग जो भी हो, हम लोग मेहनत करके पटना में रह के पढ़ते हैं, रूम रेंट किराया ट्यूशन फीस सब चीज़ देकर हम लोग पढ़ते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। छात्र एक तो आर्थिक तंगी से जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ मानसिक हिंसा का भी वो शिकार हो जाते हैं। ऐसी सरकार की नियति है, इसलिए हम 10 सूत्री मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में आगे बढ़ रही हैं बेटियां, तो बेटियां इस अभियान में क्यों शामिल हैं? जी नहीं, उन्होंने कहा है और उन्होंने ये काम भी किया है बेटियों के लिए, पर उनका ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है कि उन्होंने बिहार की बेटियों के साथ साथ अन्य राज्य की लड़कियों के लिए भी वो आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है, तो हमारा यही कहना है कि हम आज इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो आरक्षण का लाभ होता है ना, ये वहाँ उस राज्य के मूल निवासी को पहले मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये जो अदर स्टेट की लड़कियों को मिल रहा है ये हमारे साथ अन्याय है, तो हमारी यही मांग है सरकार से कि वो इस आरक्षण को ख़त्म करके हमारे लिए ही ये 35% का सुनिश्चित करे और इसका लाभ सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिले। और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तभी कोई भी परीक्षा सफल होती है। तो पारदर्शिता लानी चाहिए और इसके लिए हर एक पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए सरकार को, हर आयोग को इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए, तो ये चीज़ होना चाहिए। बिहार में शिक्षा विभाग पर लगातार सवाल उठते हैं, हर स्कूल की वीडियोज़ आप भी देखती होंगी, तो इस तरह की स्थिति देखकर कैसे लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जी, मैं तो यही कहूँगी कि बिहार अभी जाना भी जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है, पूरी तरीके से लगभग ख़त्म है। बिहार रहकर पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है। आप आए दिन हर किसी से बात कर लीजिए, कोई कहता है कि दिल्ली जाना है, वहाँ अच्छे कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बिहार में नहीं रहते, क्यों नहीं रहते हैं? जबकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा IAS IPS ये सब निकलते हैं, मगर वो लोग यहाँ पढ़ कर नहीं निकलते, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की। फिर भी क्रेडिट तो बिहार सरकार ही लेती है कि हमारे राज्य के ही बच्चे हैं, तो वही मैं कहना चाहूँगी कि आप क्रेडिट मत लीजिए,
आप इस पर काम भी लीजिए ना, आप संज्ञान लीजिए। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी पे आ रही है, ठीक है, आप सिर्फ अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं, मगर जो बारीकी चीज़ होती है, जहाँ कमियाँ हैं, आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं, उस चीज़ को नोटिस। सिर्फ सड़क निर्माण और पुल निर्माण से सब कुछ नहीं हो जाता। किसी भी राज्य की जो विकास की जो पहली होती है वो शिक्षा व्यवस्था। मैं हमेशा से यही कहूँगी कि आप ये मिडिल स्कूल में चले जाइए। बहुत दुख होता है वहाँ की स्थिति को देखकर, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई एक मतलब मिडिल भी फैमिली जो होती है ना, मिडिल क्लास की भी फैमिली होती है, भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं। बिहार में इतनी शिक्षा व्यवस्था ख़राब चल रही है, ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए? सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है बिहार में, उसमें पारदर्शिता लाना होगा। क्या जो योग्य विद्यार्थी है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है? हाँ, योग्य विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है, क्योंकि परीक्षा के बाद जब जस्ट परीक्षा दे के आते हैं और तुरंत ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो ऐसे में छात्रों का भी मनोबल टूट जाता है ना। जो तमाम शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति भी सरकार कराती है और फिर बाद में उन्हीं पर सवाल उठाती है कि शिक्षक ही जो है इस लायक नहीं है, तो क्या सरकार अपने ही विभाग पर सवाल उठा रही है? हाँ, सरकार तो नियुक्ति करती है, सरकार का ही ये नियम है। सरकार नियुक्ति करती है और फिर उन शिक्षकों को कहती है कि वो लायक नहीं है, सही से पढ़ाते नहीं है, तो ये तो सरकार की कमियाँ है ना। उन्हें अच्छे से एग्ज़ाम लेकर फिर टीचर की नियुक्ति करना चाहिए। बिहार में बेटियाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं? बेटियाँ आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं है, नीतीश जी ने बेटियों के लिए बहुत किया है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग की स्थिति है वो बहुत ही जर्जर है, उनको इस पर सुधार करना चाहिए। क्या लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि आए दिन जो है सबको धरने पर बैठने की ज़रूरत पड़ गई, कभी नियोजित शिक्षक, कभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, लगातार जो शिक्षक हैं वो और धरने पर बैठे रहते हैं, क्या कहें? चलिए, हमारा बैनर के नाम ही है शिक्षा सुधार रोजगार अभियान, तो इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि शिक्षा पर केवल काम किया जा रहा है, और अगर सुधार करेंगे तो बहुत सारा में खामियां निकलेगी सरकार के। तो हमारे शिक्षा में जो है, हम एग्जाम देते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी उन नेतवा वाला ट्रांसपेरेंसी उन लोगों का तो अपना है, हम लोग का नहीं है। तो हम लोग का चाहते हैं जब क्वेश्चन हम वायरल हो जाती है या हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जब हम बाहर निकलते हैं तो वायरल पता चलता है, कार्बन कॉपी होती है उसमें, तो हमको कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। नंबर कैसा है, हम एग्जाम दिए तो हमको पता होनी चाहिए ना जब कितना नंबर के बना का है, और हमको आरटीआई से मांगते हैं वहाँ से भी कार्बन कॉपी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ सबको जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, हर चीज़, इवन यहाँ तक एकेडमिक एग्जाम में इसका क्वेश्चन वायरल होती है। और यहाँ के कुछ शिक्षा माफिया, कुछ लीडर, कुछ लोग जो है ना, जो ये पूरे बर्बाद कर दिया है, तो आपको ये लगना चाहिए। 10 साल 15 18 साल से नीतीश कुमार है ना यहाँ, एक ना कोई फैक्ट्री लगाया जिससे यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, और सारा चीज़ ठिकरा फोड़ दिया जाता है स्टूडेंट पर, उसका अपना इलेक्शन करवाना होती है तो 5 साल पर। और यह पंचवर्षीय योजना अब हम लोग को बना दिया गया है कि आप पाँच साल तक तुम एग्जाम नहीं दो, इलेक्शन आएगा तो फॉर्म भरो एग्जाम, उसको 10 वर्ष तक लगाओ। उसमें कितना लड़का सुसाइड कर जाता है, या 6x6 के रूम में कितना लड़का सुसाइड कर जाता है, उसका एज खत्म हो जाता है, उसमें भी उसका कोई रिलैक्स नहीं। और ढकोसला हमेशा दिया जाता है 20 साल, और कुछ इसमें कुछ टीचर लोग का भी हाथ है, कुछ यहाँ का बहुत बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो अंदर में ही है, कुछ को तो निकाला गया है बीपीएससी से, और बहुत लोग है, बहुत कुछ इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन हमारा जो डिमांड है 10 सूत्री मांग इस बैनर तले आज से हमारा मतलब यहाँ से गांधी मैदान से स्टार्ट हुआ है, और ये हम इसके समर्थन में 10 सूत्री जो मांगे हैं उसके समर्थन में हम लगभग 5 लाख स्टूडेंट से हमके समर्थन मांग रहे हैं। और ये हाथ जोड़ करके सभी स्टूडेंट को, सभी छात्र को विनती है कि आप निकलिए अपने अधिकार के लिए, अगर नहीं निकलेंगे तो ये नेतवा लोग आपको ऐसे ही एज बढ़ा करके एज खत्म कर देगा और आपको नौकरी नहीं देगा, बाद में कहेगा ये योग है ही नहीं। तो और खास करके एक आयोग हम लोग को स्टूडेंट आयोग बननी चाहिए, ताकि क्या अगर स्टूडेंट सुसाइड कर लेती है इसके कारण, मर जाते हैं, फांसी लगा देते, उसका अगर कुछ भरपाई करे तो या तो उस मुख्यमंत्री पर या इस आयोग पर या शिक्षा मंत्री पर इसका FIR हो ताकि उसकी भरपाई हो, नहीं तो हम लोग इस बार मानने वाले नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो इसको ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, वैसे अगर किसी सरकार के चुनाव में जो है अगर ऐसी धांधली हो जाती है तो क्या इस चीज़ को वो झेल पाएंगे? झेल कहाँ पाएंगे, जब इलेक्शन होता है तो अपना वोट पता करते हैं कितने वोटों से उम्मीदवार जीते, तो ये भी तो अभ्यर्थी का और छात्र का हक है कि हमारा मार्क्स कितना है, ताकि समझे कि कितने से हम फेल हैं, कितने से हम पास हैं, ताकि उस आधार पर वो तैयारी करे। आज हम लोग ने और छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ शिक्षा सुधार
रोजगार अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान के तहत आज हम लोगों ने 10 सूत्री मांगों को रखा है, जो कि दरोगा बहाली हो या BSSC हो या BPSC हो या CSBC हो, यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हम लोगों ने 10 सूत्री मांग को रखा है। ताकि दिलीप जी का मांग है कि हम लोग 5 लाख से हस्ताक्षर अभियान कराकर मुख्यमंत्री जी को रखें और प्रधानमंत्री जी को सौंपे। अगर ऐसी सरकार, प्रधानमंत्री तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दे ही रही है, अरे हम लोग ने 5 लाख हस्ताक्षर अभियान करके उनको सौंपेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठेंगे या छात्र महाआंदोलन होगा। और जैसे कि जो BPSC हो या CSBC हो या BSSC हो, जो एग्ज़ाम लेती है और दूर दूर सेंटर भेजती है, यानी उनको क्या चाहिए कि गृह जिला के अगल बगल आसपास के जिला में एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को क्या होता है कि दिक्कत होता है। यहाँ से पहले आप तो खुद देखी होंगी कि कैसे गांधी सेतु पर जाम लगा था 67वीं BPSC में, पूरे छात्र थे कि पिकअप पर झूलकर ट्रक पर झूलकर लोग परीक्षा देने जाते थे, लेकिन वहाँ जिला प्रशासन द्वारा पटना द्वारा कि वहाँ बोला गया कि आप लोग मोटरबाइक से वहाँ खुद जाकर पार करवाएं, जिला प्रशासन कि आप दो दो लोग को गांधी सेतु पार कराइए और इनको परीक्षा, वहाँ से लोग गए। इतना तकलीफ होता है परीक्षा देने पर, और हर माता पिता का भी सपना होता है कि हमारे बेटा एक अधिकारी बने। ऐसे शिक्षा माफियाओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने 10 सूत्री मांग रखा है, और ताकि पूरे बिहार में जाकर, और 3 महीना का टारगेट है, हर जिला में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर, हर पंचायत में जाकर ये हस्ताक्षर अभियान होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो शिक्षा विभाग है, तो बिहार की शिक्षा में जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उनको बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि उन्हें कितना नंबर मिला है वो कम से कम उनको बता दिया जाए। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।